नमस्ते, मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान तक जो है स्टार्टअप्स के बारे में, जो मिलेट्स स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट करने में आया हूं। और मेरे साथ अमिताभ बलोच हैं जो जैसलमेर से हैं, और जैसलमेर का बाजरा, क्योंकि बाजरे का राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी कंट्री में, और उसमें भी वेस्टर्न राजस्थान का बाजरा एक अलग तरह का बाजरा होता है, उसके बारे में ज़्यादा बात अमिताभ बताएंगे हमें। और मिलेट्स में जो है राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है देश में, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बाजरे से इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जैसलमेर के बाजरे के बारे में भी थोड़ी सी हम इनसे बातचीत करेंगे। अमिताभ, किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद माता जी। थोड़ा बताएं अपने, मतलब जो आपको प्रोडक्ट है, दूसरा बाजरा, बाकी जगह बाजरा होता है, डेजर्ट में होता है बाजरी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? माधव जी, अब आपको बेसिकली बताया जाए तो एक वैरायटी अपनी होती है बाजरा और एक है बाजरी। बाजरी तो होगी हमारी जो देसी इंडिजिनस वैरायटी है, जो अपन को वाइल्ड से मिली थी, अपन ने कई सालों से उसी की फार्मिंग किए जा रहे हैं। बाजरा आ गया अपने जीएमओ में, हाइब्रिड्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं। बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर ये है कि बाजरी आपको होगी मीठी स्वाद में। अच्छा। और बाजरा होगा खारा स्वाद में। हाँ, ये फर्क है, थोड़ा कड़वा होता है, आटा भी कड़वा हो जाता है उसका। बाजरी को आप लॉन्ग लाइफ तक रख सकते हैं, उसकी पावर ज़्यादा है कम्पेयर टू बाजरा। अच्छा। बाजरी में अपन, जैसे मैं आपको ये कहूँगा, बाजरी के तीन दाने आप ले लीजिए और बाजरे का एक दाना, ये फ़र्क होता है दोनों के बीच में। ओके। वाटर कंजप्शन के भी फ़र्क आता है, साइज़ में भी फ़र्क आता है, वाटर में कंजप्शन में भी उसकी, जैसे अपने बाजरी है पानी कम चाहिए। अच्छा। बाजरा पानी ज़्यादा चाहिए। बाजरे को केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है तब जाके वो अच्छे से ग्रो करेगा, बाजरी को नहीं चाहिए। सीधा बीज डाला, बरसात का पानी लगा, उगा, फिनिश, सीधा कटाई करो। कोई किसी तरह कुछ करने की जरूरत नहीं होती, खाद पानी कुछ नहीं देने की जरूरत होती, सेल्फ सस्टेन, मतलब सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं उसके अंदर ये। तो अब मुझे आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। एक तो इसका नाम बड़ा यूनिक है, बारानी जी। बारानी आपके प्रोडक्ट का नाम है, और क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं? सर बेसिकली अब जैसे मैंने नाम जो सोच के रखा है वो अपने बारानी खेती के ऊपर रखा है। बारानी क्या होता है? बारानी का मतलब बताएं कि बारानी शब्द का मतलब है वो ज़मीन जिसमें 12 महीने में एक बार खेती होती है। अच्छा। जैसे बरसातों का सीज़न आया, अपने बरसातों के अंदर अपने बाजरी डाली, उसके बाद में वापस अगली बरसातों में ही उस खेत में बिजाई होगी, तो पूरे साल और क्या फसल? कुछ नहीं होता, छोड़ दिया जाता है फिर। अच्छा। बाजरी की फसल ले ली, उसके बाद खेत छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट जैसे रेनी सीजन आएगा फिर वापस किसान उस खेत की जुताई करेगा और फिर उसमें बाजरी बोएगा। तो जब 12 महीने का जो गैप लगता है तब वो नाम आता है बारानी। इसमें भी सर्दियों की क्रॉप अलग होती है और गर्मियों की क्रॉप अलग होती है, उसमें रेनफेड के हिसाब से अलग अलग होता है। अब जैसे हमने नाम तो बारानी बेकर्स अपना उस दर से लिया। अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो बनाए, सिंपल कुकीज़ और बिस्किट से स्टार्ट किया, फिर एक नमकीन के अंदर सेगमेंट हमने और लिया, साथ में पापड़ भी आएंगे, पॉपकॉर्नस हैं, पफकॉर्नस हैं, कुरकुरे हैं। अभी जैसे हमारे बीकानेर यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की रिसर्च सेंटर में, तो उन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स को पहले से लोगों के लिए बना के तैयार किए हैं ताकि लोग वैल्यू एडिशन करके उनको बेच सकें। उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेसिपी और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी आपके सामने दे दी है। अब इनोवेटर्स फार्मर्स हैं या कोई बेकर्स हैं हमारे जैसे, जैसे मैं खुद बेसिकली होटल मैनेजमेंट करके फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में आया हूँ। अच्छा। अब एग्रो टूरिज्म और इससे जुड़े हुए जो आइटम्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो काम है, उनके तहत ही अपना जो मेरा वर्किंग जोन है वो उसमें काम हो रहा है। बाजरे के बिस्किट बना रहे हैं और नमकीन बना रहे हैं। जी हाँ। तो बिस्किट में एक ही फ्लेवर है या अलग अलग फ्लेवर? बाजरे के बिस्किट में तीन फ्लेवर्स आ रहे हैं, जिसमें एक अजवाइन है, जीरा है और नॉर्मल प्लेन तिल और गुड़ वाला फ्लेवर। अच्छा। शुगर में हम शुगर यूज़ नहीं कर रहे हमारे किसी भी प्रोडक्ट में, सब यूज़ कर रहे हैं हम गुड़। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ से भी प्रोक्योर कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक में खरीद रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपका जो प्रोडक्ट है बिस्किट, इसमें कितना, आधा किलो का है? जी हाँ सर, ये अपना जैसे बेसिक पैक है ये। हाँ। बेसिक पैक ये अपना 250 ग्राम्स का है। अच्छा। ठीक है सर, इसके अंदर आपके, अभी मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ, ये वाला है अपना बिस्किट है, ये जीरा फ्लेवर है। अच्छा। इसमें हमने जीरे का एसेंस है, पाउडर है, उसको यूज़ किया है, ऊपर जीरा स्प्रिंकल किया ताकि उसका जीरे का फ्लेवर आ गया। ऐसे ही अजवाइन है और ऐसे ही तिल है। इसकी कीमत क्या रखी सर? इसकी 150 रुपीज़ हमने इसकी रखी है, 250 ग्राम का। पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं है प्रोडक्ट फिलहाल के लिए? फिलहाल के लिए सर पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग क्वालिटी को भी मैटर कर रहे हैं। जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कॉस्टिंग आ रही है। जैसे आप बेसिक आप देख लीजिए कि बेकरी का आइटम है, बिस्किट है, बाजार का बिस्किट उठाओ पाम ऑयल मिक्स होगा, रिफाइंड ऑयल, अंडर प्रिजर्वेटिव हम सर उसमें घी यूज़ कर रहे हैं और हल्का सा बटर। अच्छा। बटर भी यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमने शुरुआत की थी अमूल से, उसके बाद में हमने इसको अंदर मार्गरीनी जो एक बटर आता है उसको यूज़ करना शुरू किया।
ताकि थोड़ा टेक्सचर है, थोड़ा कॉस्टली भी है सर। कॉस्ट उसी की वजह से आ रही है। 1500 रुपये किलो का घी मैं जहाँ से खरीद रहा हूँ उसे 1500 रुपये किलो दे रहा हूँ, और मार्केट के अंदर लोग खरीद रहे हैं घी वो 650-300-400 रुपये किलो। ये थोड़ा क्वालिटी का फर्क है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। तो मिलेट्स को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, लेकिन कुछ मार्केट में एक तरह से मूवमेंट शुरू हुआ है कि मिलेट्स को लेकर के एक अवेयरनेस है। आम आदमी में कितनी है कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेट्स के बारे में और सारे वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। शुक्रिया। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।